सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो गए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आपका भाग्य क्या लेकर आने वाला है आने वाले टाइम में? ओके, सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, मतलब आपकी जो किस्मत है आने वाले टाइम में वो आपके लिए क्या लेकर आ रही है। ओके, यहाँ पे गाइस फर्स्ट कार्ड फॉरगिवनेस कैन ऑल्सो 1 से लेके 15 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट फाइल आपके लिए है। और अगर आप मिरेकल्स कार्ड को पिक करना चाहते हो और या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31 के बीच में, सो गाइज आप सेकेंड पाइल पिक कर लीजिए। ओके, एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप वहाँ कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर होगा या फिर अबाउट सेक्शन से भी आप देख सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कर सकते हो, इस रीडिंग को भी लाइक कर देना सो दैट मुझे अच्छा फील हो। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो चैनल को, मेंबर बनना चाहते हो चैनल के, तो अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको हेल्थ रिलेटेड या एजुकेशन, सो गाइज अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो मतलब आपके लिए जो सेकेंड सिल्वर, जो मैंने सिल्वर लेवल है गाइस, तो वहाँ पे गाइस आप लोगों को हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड एक एक रीडिंग मिलेगी। ओके, उसमें एंड ऑल्सो अगर आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पिक करोगे तो उसमें गाइस आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगी। ओके, लाइव में आऊँगी, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस मैं वहाँ ले पाऊँगी, ठीक है गाइस। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, अगर आपने नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे DM कर देना वहाँ। ओके, सो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग फर्स्ट पाइल से, फॉरगिवनेस से। अगर आपने फॉरगिव, आपको पिक किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 के बीच में, सो गाइस फर्स्ट पाइल, कैसे हो आप सब लोग? गाइस गुड मॉर्निंग। एंड गाइस, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक किया था, सो गाइस अगर आपने 1 से लेके 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर आपने ये पिक की है, तो गाइस आपके लिए फर्स्ट पाइल। और ऑल्सो अगर आपने फॉरगिवनेस कार्ड को पिक किया है तो आपके लिए फर्स्ट पाइल थी। सो गाइस, यहाँ पे आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या आपकी किस्मत आने वाले टाइम में लेकर आ सकती है आपके लिए? सो यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस आते हुए दिख रही है, आप लोगों को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज में रहने वाले हो। एनिमल्स अगर आपके पास है घर पे, मतलब जैसे होता है ना, आपके पास डॉग है, कैट है या फिर पैरेट्स हैं, आप उनके साथ बहुत टाइम बिताने वाले हो अपना। ओके, एंड बहुत अच्छा भी आप फील करने वाले हो, बहुत फॉरगिव, मतलब आपको लगेगा कि भगवान ने आपको माफ़ किया है और आपके कर्मों के लिए, आपने अगर कुछ गलत किया है, या फिर आप लोगों को माफ़ करने वाले हो आने वाले टाइम में। सो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक जैसे है ना, ये बच्चा है, चाइल्ड लाइक नेचर आपका दिख रहा हो कि आने वाले टाइम में, सो बहुत बच्चे की तरह बिहेव करने वाले हो आप लोग आने वाले टाइम में, ठीक है। सो मतलब गलत वे में नहीं, मतलब यस, बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज में रहना, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में रहना। ओके, सो यहाँ से गाइस चारों के थ्रू देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी भाग्य क्या लेकर आने वाला है, आपका भाग्य आने वाले टाइम में क्या लेकर आने वाला है, क्या हो सकता है आपके भाग्य में नेक्स्ट। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ओके नाइस, यहां पे आया है टेम्परेंस। ओके नाइस, बहुत अच्छे कलर्स है गाइज इसमें, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रेनबो कलर्स है ना, सो दैट्स द रीजन। यहाँ पे फादर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेविल, डेविल मुझे दिखा था, आपको भी दिखा होगा जब मैं शफलिंग कर रही थी, जब उल्ट कर मतलब ऐसे कार्ड आया था, बट मैंने लिया नहीं वो कार्ड क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग ही की थी। सो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स डेविल के बाद। ओके, डेथ कार्ड गाइस, यहाँ पे तीन मेजर अर्काना आ चुके हैं, टेम्परेंस, डेविल एंड डेथ कार्ड। ओके, सो फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए गाइस चारों के थ्रू, लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक गाइस टावर,
वाओ, अनएक्सपेक्टेंसी यहाँ पे शो हो रही है, या फिर आप ऐसी चीज, मतलब आप थोड़े से डर भी सकते हो इस चीज से, मतलब ऐसा घबराना नहीं है, बट यस आपका भाग्य कुछ ऐसा लेकर आ रहा है आपकी तरफ कि यस उससे आपको लगेगा आपकी लाइफ में टावर आ चुका है, ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, लाइक डेथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। ये दोनों ही कार्ड चेंज के हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, सो चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। टेम्परेंस है यहाँ पे, सो आपने जो पेशेंस रखा है गाइज इतना सारा, लाइक ऐसा लग रहा है ये इस पक्षी के ऊपर से, पता नहीं कौन से बर्ड है, बट यस इनके ऊपर से पसीना आ रहा है गाइज, एंड वो आग बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आग में वो गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, घुलता हुआ दिख रहा है। सो बहुत पैशन है गाइज आपके अंदर, आप बहुत हार्डवर्किंग नेचर के दिख रहे हो आने वाले टाइम में। आपका भाग्य ये लेकर आता हुआ दिख रहा है कि यस आप बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, बहुत पैशनेट एनर्जीज है। वन ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आए हैं, सो ग्रोथ भी दिख रही है आपकी लाइफ में। अगर आप किस सिचुएशन में वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो गाइज वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि वेट आपका जो आपने किया है, जो पेशेंस आपने रखा है, उसका फल आपको मिलने वाला है। ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपकी लाइफ अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, एकदम से चेंज होगी या हो चुकी होगी गाइज, स्टार्ट ही हो चुका होगा आपके लाइफ में। मतलब बहुत सारा आपको टाइम टेबल एकदम से चेंज करना पड़ेगा। कोई आपके लव्ड वंस गाइज, आपके लव्ड वंस कोई आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, लाइक उनका समय हो चुका है आपकी लाइफ से जाने के लिए, ठीक है। इसको पॉजिटिव वे में लेना, मतलब कुछ हो सकता है कि यस आपकी लाइफ में से वो चले जाएं एकदम से ही, मतलब आप अनएक्सपेक्टेडली मतलब जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्टल लाइफ होती है, पेरेंट वो तो पता होता है, बट यस अनएक्सपेक्टेडली आपको लगे कि यस 1 महीने बाद जाना था, बट अब अभी जाना है, ठीक है, अगले दिन ही या 10 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही, ठीक है। सो बहुत सारी ऑप्शंस भी आते हुए दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए। लाइक ऐसा लग रहा है येन एंड यांग एनर्जीज को अगर आपको बैलेंस करना है, तो ऑप्शंस ख़त्म करनी पड़ेंगी आपको अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत सारी सेविंग्स करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप स्ट्रक एनर्जीज में थे, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड ऑल्सो बहुत सारी सेविंग्स आप अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो अपने साथ। एंड डेविल की एनर्जीज हैं, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ये डेविल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ये डेविल की एनर्जी थोड़ी सी आपको एडिक्शन के तरफ लेकर जा सकती है, कि यस आप एडिक्टेड हो जाओ किसी चीज़ से, या जैसे मैंने कहा कोई पर्सन से आप एडिक्टेड हो, वो आपको छोड़ कर जाएँ, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि डेविल की एनर्जीज आ रही है। एंड ऑल्सो मैंने आपको कहा कि बहुत हार्ड वर्किंग नेचर भी दिख रहा है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, ओवरली पैशनेट होके। बट फादर ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपनी लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने वाले हो, आपका भाग्य ये लेकर आ रहे हो कि जितना आपने हार्डवर्क किया वो आपको मिलने वाला है। ओके, आपके लिए स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड मिडिल एनर्जीज हैं आपके लिए मदर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज मदर ऑफ वॉन्ड्स आपको ये शो कर रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी तरफ लोग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लाइक एस ऑफ वॉन्ड ये है और एस ऑफ वॉन्ड ही ये दिख रही है, आप इसको पकड़ कर बैठे हो कि कोई मेरी पोजीशन ना ले ले, ठीक है। एंड वो हो रहा है कि यस आपकी पोजीशन कोई नहीं ले पा रहा है, आप बहुत स्ट्रेंथ फील करने वाले हो आने वाले टाइम में। सो यहाँ से देख लेते हैं गाइज आपका भाग्य क्या लेकर आने वाला है, और आगे आने वाले टाइम में क्या आ रहा है आपके भाग्य में आने वाले टाइम में। ओके, ये नहीं यांग गाइज, मैंने आपको कहा आप ये नहीं यांग में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। एंड वाटर एंड फायर का मिक्सचर हो सकते हो आप लोग, या कोई आपके ट्विन फ्लेम आपसे मुलाकात हो सकती है आपके ट्विन फ्लेम की। ओके, या आप ट्विन फ्लेम से अगर डील कर ही रहे हो, आपको पता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो गाइज उनके साथ अगर झगड़ा वगैरह था, रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा था, वो भी होता हुआ दिख रहे हो। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे में मिक्स होने वाले हो, ठीक है, लाइक जैसे होता है कि यस मिल जाने वाले हो आने वाले टाइम में, आपके भाग्य में है ये। ओके, सो फोर चक्र आर्किंजल रेफियल है यहाँ पे, आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है गाइज यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे मिलने का, तो वो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। ओके,
एंड ऑल्सो फोर्थ चक्र है यहाँ पे आपका ग्रीन एनर्जीज लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ग्रीन कलर के कपड़े पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में. वॉकिंग अवे, आप बहुत सारी चीज़ों से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है चेंज आपकी लाइफ में, आपका वेट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन. ये मुझे बटरफ्लाई दिख रही है. सो बटरफ्लाई गाइज चेंज का ही साइन होता है. जब भी आपको बटरफ्लाईज दिखे गाइज, उसका मीनिंग ही ये है, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ. ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन योर लाइफ. ओके, सो गाइज ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगी आपकी लाइफ में उस टाइम अगर आपको बटरफ्लाईज दिख रही हैं. स्ट्रेटजी, यूनिवर्स भी गाइज ऐसे ही नहीं बैठे हैं, यूनिवर्स ने भी कुछ ना कुछ सोच रखा है आपके लिए. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई हुई हैं. ओके, सो आप लोगों के लिए आपके डेस्टिनी, जो भी चीज़ें आपके लिए डेस्टिन है वो भी होने वाली हैं इस आने वाले टाइम में. आपका जो भाग्य है ना, वो सब चीज़ें लेकर आ रहा है जो आपके लिए डेस्टिन है. ओके, वो आपको अपनानी ही पड़ेंगी. एंड अटैच्ड हो अगर आप किस सिचुएशन से गाइज, उससे अटैचमेंट्स ख़त्म करोगे. एंड आपने अगर मास्क पहना है अपने फेस पे, लाइक नेगेटिविटी को छुपा, मतलब आपके अंदर आप बहुत दुखी हो बट आप हर किसी को हैप्पी शो करते हो, तो गाइज वो आपको कहा जा रहा है उन सब चीज़ों को छोड़ो, अटैच्ड हो आप उन सब चीज़ों से, अटैच हो चुके हो, आपको रहने की आदत पड़ चुकी है उन सब फीलिंग्स में. ओके, सो आपको कहा जा रहा है अपने आप को उन सब चीज़ों से आज़ाद करो, फ्रीडम फील करो. जो आपके अंदर है वही बाहर दिखाओ, वही शो करो लोगों को, सो दैट उनको आपकी ट्रू रियलिटी पता लगे. ओके, डिसीट है यहाँ पे. सो ऑफ कोर्स बहुत सारे सिचुएशंस में आपको कहा जा रहा है कि धोखा आपको मिल सकता है. सो आपको अवेयर होके रहना है, बी अवेयर. ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि कहीं से आपको कोई ना कोई डिसीट फील करवा रहा है, आपकी मनी चुरा रहा है कोई आपसे, ठीक है, आपसे छीन रहा है कोई मनी आपकी, तो वहाँ से आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि इससे वॉक अवे करना ही अच्छा है. लाइक बहुत सारे रिलेशनशिप्स में बॉयज़ गर्ल्स का यूज़ करते हैं मनी के लिए, या गर्ल्स बॉयज़ का यूज़ करती हैं मनी के लिए. सो वो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि यस, ये होता हुआ दिख रहा है ना, अवेयर होते हुए दिख रहे हो आप लोग कि यस ये हो रहा है मेरे साथ. एंजल ऑफ बैलेंस, सो एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हुए दिख रहे हैं गाइज. ओके, 38 नंबर 22 नंबर मास्टर नंबर होता है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर 38 को ऐड करें तो 11 बनता है. 11, 22, 27, 9, 38, 21, 5, 3, 7, 25. ओके, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. ओके, सो इसी नंबर के मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो आपका भाग्य क्या लेकर आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, क्या एडवाइस है उसके लिए गाइस, हम जहाँ से देख लेते हैं क्या एडवाइस है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको उसके लिए कि यस ये होगा तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है गाइज. ओके, सो कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. सो गाइज कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट इनफ रहिए अपने लाइफ में. एंड न्यू मून इन लियो गाइज, आई थिंक ये न्यू मून इन लियो ही है, ठीक है, जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, 16th of August में. तो ऑफकोर्स गाइज कंग्रेचुलेशन आपकी लाइफ में, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हो अपने वर्क के रिलेटेड, अपनी लाइफ के रिलेटेड, तो गाइज आपके लिए सक्सेस लिखा हुआ है, सक्सेस आकर ही रहेगा. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. सो गाइज कोई भी चीज़ नहीं आएगी, मतलब जो भी आप सोच रहे होगे, नेगेटिव सोच रहे हो, उन सब चीज़ों से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन गाइज. सो ऑफकोर्स कुछ भी इनसे आपको मिलने वाला नहीं है. सो रियलिटी प्रेजेंट में फोकस करो, ओके, फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा मत फोकस करो कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में अगर मैंने ऐसा कर दिया अभी, ठीक है. सो द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं गाइज, आपके लिए ये एडवाइस है, डोंट वरी, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं जिन्होंने जिनकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है. एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. सो गाइज कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, स्टोन्स पे नहीं लिख दिया कि यस, उसको रगड़ रगड़ के लिख दिया. सो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. सो ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है आप उसको, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया भी है उसको आप चेंज कर सकते हो, डोंट वरी. कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. सो गाइस आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं. सो आपके लिए लियो, जेमिनाई, कैंसर, ओके, ये राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. मिथुन, करक एंड ऑल्सो सिंह राशि. ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस.
सो ऑफ कोर्स तभी यहाँ पे टावर मूवमेंट आ रखी थी. तो टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में चल रही थी बहुत टाइम से, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है. ओके सो गाइस हैप्पी हो जाइए. अब आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते थे वो होने वाला है. सो यहाँ से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस टाइम पे. OMG गाइस, अबंडेंस इज कमिंग योर लाइफ, इनफिनाइट अबंडेंस. लॉर्ड गणेशा इज हियर. सो ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव की जा रही हैं, निकाली जा रही हैं गाइज. अगर कोई रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही थी बहुत टाइम से, उनको निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ में से. ओके अबंडेंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है. मनी लव, चाहे लव में अबंडेंस है, चाहे मनी में है, चाहे फैमिली हैप्पीनेस में है. ओके स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लोगों के साथ. वाओ, एंड आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है आपको उसके रिलेटेड. एंड यहाँ पे है लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स. ट्रुथ इज बींग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियलम. सो जो सच है गाइज आपके सामने आने वाला है, आपका भाग्य आपके सामने सच लेकर आएगा आने वाले टाइम में. बहुत सारे डीप इनसाइट्स आपके माइंड में मिल सकते हैं आपको कि यस ये होने वाला है एंड आपको करना पड़ेगा वो. ठीक है, ये एस्ट्रल रियलम या हेवन से ये आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं. ओके सो ऑफ कोर्स मेलचिडे, हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. सो गाइस आपके लिए आगे बहुत सारा प्रोग्रेस होने वाला है आपका, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में. सो गाइस आपको कहा जा रहा है आप एक्सपीरियंसिस से लर्न करते हुए एंड लर्न करते रहो. ओके वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लिए लर्निंग टाइम आ रहा है, लर्निंग पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है. सो सोल एक्सपेंशन, सोल भी आपकी एक्सपैंड होते हुए दिख रही है. महाअवतार बाबा जी आपको कह रहे हैं कि ओम वर्ड का, ओम मंत्रा की चैंट करो के 108 टाइम्स, सो दैट आपको अच्छा फील हो के एंड ऑल्सो आपके कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो पाए, एक्सपैंड हो पाए. यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, तो आप कनेक्शंस बिठा पाओगे गाइस सभी चीज़ों में. ओके सो यहाँ पे है आर्किंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर. ऑफकोर्स गाइज एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, आर्किंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स के आर्किंजल माने जाते हैं, कि ट्रस्ट करो हेवन के ऊपर, विश्वास रखो उनके ऊपर, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे. ओके सो गाइज ये सेपायर दिख रहा है, ब्लू सेपायर मुझे. ये स्टोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप सेफ हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है. सरेंडर करो अपने कंसर्न्स को एंड अलाउ करो मिरेकल्स होने के लिए. ओके सो गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबा देना गाइज. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स टाइम्स के जस्ट ऊपर. अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय. सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल. सो गाइज कैसे हो आप सब लोग. सेकेंड पायल, अगर आपने मिरेकल कार्ड को पिक किया था या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 के बीच में आती है तो आपके लिए थी सेकेंड पायल. सो गाइज देख लेते हैं आपका आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, मतलब आगे आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है आपके लिए, आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में. सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 थी तो देख लेते हैं गाइस क्या आने वाला है. सो गाइस सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, आपके लिए मिरेकल्स आते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में. जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो सब चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, बिकॉज यूनिवर्स एंजल्स आपका साथ देते हुए दिख रही हैं. ओके एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो आप लोग भी, एंड यूनिवर्स खुद मैनिफेस्ट कर रही है आपके लिए. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप एक तरह से, आपको एक तरह से जैसे होता है ना जिन, ठीक है, लाइक जिन, या फिर जैसे होता है ना मैजिक, ठीक है, मैजिक क्रिएट करना. आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत जल्दी भी फुलफिल होती होंगी मुझे ऐसा लग रहा है. एंड ऑल्सो ये दिख रहा है कि यूनिवर्स, लाइक ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस यूनिवर्स नहीं दिख रही बट ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे ट्री है कट किया हुआ, उसमें से कोई ताकत निकल कर आ रही है एंड वो आपकी हेल्प कर रही है. ओके सो
सो गाइस देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आपके लिए टैरो के थ्रू क्या आता है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, आपका भाग्य आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके सो गाइस, आपसे जितना भी मैच होती है उतना ही लेना, बाकी को गाइस छोड़ देना मैसेजेस को, वो किसी और के लिए होंगे। ओके, वाओ गाइस, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस, मिरेकल्स कार्ड आपने पिक किया। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना मीन्स जैसे सोने पे सुहागा, ठीक है, वो दिख रहा है। यहाँ पे वर्ड कार्ड भी आ चुका है, सेकंड कार्ड। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड कार्ड, OMG गाइस, मैनिफेस्टेशंस, द मैजिशियन कार्ड इज हियर गाइस। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके गाइस, पहले लाइन ही पूरी, लाइक थ्री कार्ड्स तो इसमें से मेजर अरकाना है, एंड वो भी मतलब जैसे होते हैं ना पहुंचे हुए लेवल के मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे है आपके लिए, वेट अ मिनट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल कार्ड इज हियर। सो गाइस, अगेन मेजर का ना आ चुका है यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा, लाइक जैसे होता है ना मैनिफेस्टेशंस आपकी फुलफिल। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या की कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, आपकी लाइफ में आपका मिरेकल्स होने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं वो हो सकता है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक गाइस, डेथ कार्ड, अगेन मेजर काना है यहाँ पे, मिडिल नर्वस गाइस, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की है। ओके सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप लोग बहुत हार्डवर्क किया है आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, मिडिल नर्जिज हैं ये, सो आपने बहुत हार्डवर्क किया है एंड ऑफ कोर्स उसका आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हो रही है, चेंज हो रहा है जो, ये थोड़ा सा लाइक होता है ना कि थोड़ा दर्द भरा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको आपको हर्ट हो थोड़ा सा, बट ये आपके लिए बहुत बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके लिए। ओके, चेंज है ये आपकी लाइफ में, मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो फुलफिल होते हुए दिख रही हैं इन सब चीज़ों में। आपकी जो विशेस हैं वो, आपकी डिजायर्स हैं जो, वो फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। आपका भाग्य गाइस, आपका लक आपका साथ देता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ऑफ कोर्स आपको कहा जा रहा है कि यस, आपकी किस्मत आपका साथ देते हुए दिख रही है, लक आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जुपिटर साइन है, जुपिटर गाइस बृहस्पति ग्रह है। ओके सो वो आपका इस टाइम पे लाइक अच्छे ग्रह में हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके कुंडली में बहुत अच्छे, मतलब जैसे होता है ना गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं ये ग्रह, सो वो सब चीजें बहुत अच्छे ग्रह में जाके बैठा है आपके, तो उस वजह से भी हो सकता है। आप लोग अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम आता हुआ दिख रहा है ये। ओके, अगर आप फॉरेन जाने का भी सोच रहे हो, आप वीज़ा अप्रूवल के लिए देख रहे हो, ठीक है, वो आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो सकता है, आप फॉरेन जा भी सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए अभी दिख रहे हो यहाँ पे, आपके विशेस फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे है, सेलिब्रेशंस करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी पार्टीज अटेंड करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे आने वाले टाइम में। आपका भाग्य गाइस बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में, लाइक आप बहुत ट्रैवल भी करने वाले हो कि न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग बहुत सारी चीज़ों में। अगर आपको लगता है कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए एंड मैं इसका, मेरे माइंड में ये आइडिया है और मुझे इस काम को स्टार्ट करना है, तो ये सफल होगा या नहीं, सो गाइज ये बहुत लकी टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स या कोई नई शुरुआत करनी है किसी रिश्ते में, ठीक है, सो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो इस टाइम में, एंड आपका लक आपका साथ देता हुआ दिखेगा आपको। आपने बहुत सारा वेट किया है किस चीज़ के लिए, एंड उस वेट, वो वेट आपका खत्म होता हुआ दिख रहे हो। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स के बाद थ्री ऑफ वॉन्ड्स का ना मीन्स जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स गाइज इक्वल गिव एंड टेक को भी शो करता है, जितना ही हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। जितना ही जितना आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी को प्यास दोगे या जो भी दुख भी दोगे, ठीक है, सो उतना ही आपको वापस मिलने वाला है, चाहे वो अभी मिले चाहे वो फ्यूचर में जाके मिले, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। जेमिनाई साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी यहाँ पे सभी के सभी साइन इंपॉर्टेंट है, बट जेमिनाई, एरीज एंड स्कॉर्पियो साइन। ओके, बट
यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो व्हील व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ड कार्ड, सबसे बड़े बड़े कार्ड्स यहाँ पे हैं। एक एक साल का टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। कोई वन ईयर से आपने कोई विश मांगी हुई थी वो आपकी फुलफिल हो सकती है, ओके। 10 साल भी हो सकते हैं गाइस इस विश को फुल, मतलब विश को फुलफिल होने में 10 साल लग गए हों, ठीक है, और अब होने जा रही है वो। सो यहाँ पे आपके लिए गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून वर्ड का मींस आपके लिए सभी के सभी प्लैनेट्स, राशियाँ, सभी के सभी जोडियक साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बट अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो गाइस टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड स्कॉर्पियो एंड ऑल्सो सेजिटेरियस, ओके। ये साइंस कैप्रिकॉन, ये साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज, ओके। सन, मून, राइजिंग एंड नॉर्थ नोड में। सो यहाँ से देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या आ रहा है। सो गाइज यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो यहां पे सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। सो आर्कएंजल एरियल आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करिए, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए, ओके। अपनी विशेज़ को फुलफिल करने की कोशिश करिए, अपने डिज़ायर्स को या क्रिएटिविटी को इंक्रीज करिए, मतलब क्रिएटिव बनिए, ओके, आपको ये बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे है एनवे। सो अगर कोई आपसे जलस है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि नज़र भी लग सकती हो आपको, इतनी सारी आपकी विशेज़ फुलफिल हो रही है, लोग आपको देख कर, मतलब होता ना कि ये भी कर लिया या ये भी कर सकता था, ठीक है। सो लाइक होता है ना कि लोग जलस हो ऊपर ऊपर फेस पे, मतलब जैसे होता है कि यस एनवे कार्ड है आपके इस गर्ल के फेस के ऊपर, तो स्माइल है, मतलब वो हंस कर देख रही है हर एक चीज़, पर उसके मन में लाइक ब्लैक क्लॉथ्स हैं उसके, ठीक है, ब्लैक ही सब कुछ है उसके मन में, चोर है, मतलब वो जलस हो रहा है इंसान। एंड यहाँ पे है बाहर रोशनी। सो आपको कहा जा रहा है इन सब से निकल कर बाहर निकलो, ठीक है, इन सब से दूर होकर अपनी लाइफ को जियो, ठीक है, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करो। एंड ऑफ कोर्स आप लोग रेमेडीज भी चूज कर सकते हो गाइस नज़र फजर को उतारने के लिए, ठीक है। द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड थिंकिंग वुमेन, ठीक है, थिंकिंग वुमेन यहाँ पे कार्ड आया है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, सो इतना मत करो। या तो आपके बारे में कोई सोचते हुए दिख रही है, ठीक है, या फिर आप किसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। सो ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है, या फिर लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन है यहाँ पे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी लाइफ में आपकी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करो, अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करो, ओके। अपने लाइक अगर आप ओम वर्ड का मंत्रा का चैंटिंग करते हो तो गाइस उससे भी ये चीज़ हो सकती है कि यस आप अपने थर्ड आई चक्र को ओपन कर सकते हो इजीली, ठीक है, बट उसके लिए 3, 4 साल, 5 साल कितने भी दे सकते हो आप, दो, उससे आपकी इंट्यूशन होगी हाई, ठीक है, मतलब आपको जन्म नहीं लेने पड़ेंगे दोबारा, ठीक है, अपनी इंट्यूशन अच्छी करने के लिए आपको बस 3, 4 साल, 5 साल, मतलब जितना आपसे हो सके उतना करिए। एंड आपको दिखने लग जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वर्क करने लगी हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड गाइज मैंने आई थिंक वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ही यहाँ पे बोला था, एंड यहाँ पे वही कार्ड आ चुका है गाइज, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक ये कार्ड पे बोल दिया था, बट वही कार्ड आ चुका है, मीन्स इसका भी मैसेज था आपके लिए। सो यूनिवर्स ने कहा कि आप ये मैसेज दो इनको। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि यस आप लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, मनी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, मनी फ्लो आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे कैट है, ओके, सो कैट आपकी आपको यही बता रही है कि यस आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं अर्थ साइन के जो बहुत इंट्यूटिव है, उनका कलर हो सकता है फेवरेट ब्लैक या पर्पल या वाइट, ओके, या रेड भी हो सकता है। सो बहुत ज़रा इंडिपेंडेंट होने की एनर्जीज है यहाँ पे, या तो आपकी या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपको गाइड करने के लिए आ रहा है, ओके। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, सो गाइज ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि यस आप अपनी लाइफ में रेस्ट करिए। 42 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 19 नंबर, 6 नंबर, 40 नंबर, 4 नंबर, 36 नंबर, 20, 47, 11, ओके, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये मंथ्स हो सकते हैं गाइज। एंड डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है गाइज, ओके।
सो रोमांटिक फीलिंग्स भी अगर आप लोग का रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो तो गाइज बहुत अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में भी. ओके सो यहाँ से देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या एडवाइस देना चाहती है. एंड गाइज अगर आपने लाइक नहीं किया है रीडिंग तो लाइक कर दीजिए. ओके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा देना. ओके ऑल पे सेट कर देना. और ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो. ओके सो यहाँ से देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो गाइज ये टाइम है आपके लिए एक्शन लेने का. ओके न्यू मून इन एरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एक्शन लीजिए गाइज अपनी लाइफ में. यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है. फुल मून इन वर्गो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सरेंडर टू अ डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो गाइज. अगर आपके मन में दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है उसको सरेंडर करने की कोशिश करो. ओके एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो गाइज एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको किस ना किस सिचुएशन में. अगर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है उसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उसके हित में ना हो बट आपको वो काम करना पड़े तो आपको एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. ओके एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं आपको. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. सो गाइज घमंड मत लेकर आइए. ओके अगर आप कर्म कर रहे हो ना कोई तो उसको ऐसे मत करो कि मैंने ये किया वो किया. ठीक है उसको घमंड मत लेकर आओ उसके लिए. सो ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है डोंट लेट प्राइड इन गेट इन योर वे. ओके सर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स. और डोर टू रोमांस भी आपके लिए ओपन हो रहा है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ से. एंड न्यू रोमांटिक साइकिल भी यहाँ पे आ गया है. तो ऑफकोर्स 100% कन्फर्म भी हो चुका है कि न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है. तुला राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, लियो हो सकती है. ओके वर्गो भी हो सकती है. सो गाइस यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से. आपके लिए क्या भाग्य आपका लेकर आने वाला है. कमांडर अस्त्र, कॉल टू एक्शन गाइस, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वेट, वॉक योर टॉक. सो गाइस चार्ज लीजिए अपनी इस सिचुएशन का एंड लीड करिए एग्जाम्पल की तरह. ठीक है कि आप कुछ ना कुछ मतलब एग्जाम्पल दे सकते हो किसी को. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी जो चल रहा है लाइक एल्विश यादव, ठीक है बिग बॉस से, वो एग्जाम्पल बना है कि यस आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है अपनी लाइफ में छोटे से सिचुएशन से उठकर आगे बढ़ सकते हो. ठीक है सो आपके लिए यहाँ पे आया है लेडी नाडा, हार्ट वीकनिंग, वीकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. सो गाइज आपको गिव एंड रिसीव इन बैलेंस रखना पड़ेगा. ठीक है बैलेंस में ये सब चीज़ें करनी होंगी. एंड ऑल्सो आपकी हार्ट अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, लाइक आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है. एंड एक्सेप्ट करिए गाइज डिवाइन लव को. ओके लेडी वीनस यहाँ पे आई है, बहुत सारे ट्रुथ्स आपके सामने रिवील होते हुए दिख रहे हैं आपको. डिवाइन डिवाइन गाइज बहुत सारे डीप इंसाइट्स देते हुए दिख रहे हैं. ओके आप लोग एस्ट्रो रियलम हेवन से भी मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं. ओके ऑडिन है यहाँ पे साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन. सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो. अगेन यहाँ पे इंट्यूशन का ही मैसेज आया है, साइकिक इंसाइट आया है. यहाँ पे आपकी जो थर्ड आई है ना वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं, तभी यहाँ पे थर्ड आई चक्र का ही कार्ड आया हुआ है, सिक्स चक्र का. सो ऑफकोर्स सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप लोग आने वाले टाइम में. ओके फॉलो करिए अपने इंट्यूशन अगर आपको सच जानना है हर एक सिचुएशन का. ओके सो गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबा देना गाइज. अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे. एंड अगर आपको ज्वाइन करना है चैनल को तो आप कर सकते हो, ठीक है अपने अपने पर्क्स के हिसाब से. एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो. ओके इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर या फिर अबाउट सेक्शन में. सो गाइज अभी के लिए इतना ही, बाय.